What a week it has been for Madrid stars. मतलब क्या ही हफ्ता रहा है भाई. लेकिन एम्बापे रियल मैड्रिड आने वाला था ये चीज़ तो बहुत दिनों से ही पता था. लाइक एक दो महीने से तो सबको पता था कि भाई एम्बापे तो आएगा तो मैड्रिड ही आएगा, या फिर कौन सा क्लब, किस क्लब के इतना औकात है कि वो एम्बापे को साइन करेगा. तो इट वॉज़ अ वेरी इनएविटेबल थिंग कि एम्बापे कहीं और नहीं जाने वाला, ही इज़ गोइंग टू कम टू मैड्रिड. लेकिन कल के वो लास्ट फाइनल अनाउंसमेंट आया उसके खुद के इंस्टाग्राम पेज से कि ओके नाउ आई एम लीविंग पीएसजी एंड अभी मैं आ रहा हूँ मैड्रिड, ये चीज़ अभी उसने नहीं बोला है, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप. लेकिन उसके तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गया कि वो पीएसजी को अब छोड़ने वाला है. एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस पूरे सिनेरियो के पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट की, देखो एम्बापे एट पीएसजी इज़ अ सक्सेसफुल या फिर अ फेलियर, ये चीज़ तुम इसी चीज़ समझ सकते हो भाई. उसको सब कुछ दिया गया था पीएसजी में, येट ही फेल्ड टू डिलीवर या फिर ही फेल्ड टू कैरी हिज क्लब ऑन हिज बैक. अगर तुम इस चैंपियंस लीग की बात करो या फिर लास्ट पे जो भी चैंपियंस लीग पीएसजी ने खेला, अगर उसी उस चैंपियंस लीग की भी बात करो, कैलिबर प्लेयर में है, टीम से दिक्कत या फिर किस से दिक्कत है मुझे नहीं पता, लेकिन ही वॉज गिवन एवरीथिंग भाई, पैसा, प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड कप फैसिलिटीज, मुंह मांगे जो भी मांगा था सब कुछ दिया है भाई उसको. ही वॉज इनफैक्ट अ पार्ट ऑफ द पीएसजी स्पोर्टिंग डायरेक्टरी एंड ऑल, बट इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. सो यू कैन कंसिडर कि एम्बापेस टाइम एट पीएसजी वॉज अ फेलियर, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट ड्रीम था, इफ नॉट द बैलन डी'ओर लेकिन द चैंपियंस लीग, नहीं जीत पाए वो. इतने सारे सालों में इतना वेट करने के बाद भी, रियल मैड्रिड को इतना घुमाने के बाद भी, हम लोगों को इतना घुमाने के बाद भी, ही कुडंट रियली अचीव व्हाट ही वांटेड एंड फाइनली इज कमिंग टू मैड्रिड. आई थिंक इसी होप से कि अगले साल चैंपियंस लीग जीत जाए या फिर मुझे नहीं पता या फिर बैलन डी'ओर जीत जाए. लेकिन देखो बैलन डी'ओर अगर बात करें इस साल भी वो जीत सकता है इफ फ्रांस गोज टू द फाइनल्स ऑफ यूरोज एंड विंस इट, लेकिन वो तो दूर की बात है, वो तो नहीं कह सकते. लेकिन प्रोबेबल जो लग रहा है कि विनीशियस ही जीतेगा इस साल. विनीशियस बेलिंगम का सिनेरियो हाई था, लेकिन विनीशियस का रिसेंट परफॉर्मेंस और वो ब्राज़ील अगर जाती है फाइनल्स या फिर क्वार्टर फाइनल्स तक तो वो भी हो सकता है. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट कि एम्बापे रियल मैड्रिड में क्या इम्पैक्ट डालेगा, देखो एम्बापे इज़ अ प्लेयर जिसको तुम्हें उस टीम में ना फिट करवाना पड़ेगा. ही इज़ नॉट अ प्लेयर हु ईजिली फिट्स इनटू अ टीम, क्योंकि एम्बापे एक ऐसा प्लेयर है जो अपनी मर्जी से चलना पसंद करता है एंड ही वॉन्ट्स द टीम टू रन इन हिज वे. ही वॉन्ट्स अ टीम कि वो उसके अराउंड ही बिल्ड हो जाए पूरा का पूरा. लेकिन मैड्रिड ऐसा काम नहीं करते. ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट मैड्रिड गोज फॉर विक्ट्रीज, मैड्रिड इज नोन फॉर विक्ट्रीज, मैड्रिड इज एन इमोशन एंड वहाँ पे जाके वो अगर खुद की चापलूसी करेगा तो उसको भाई पीछे दो लात मारेंगे लोग. सो ही नीड्स टू रिमेंबर दिस एज वेल. अब अगर बात करें कि एम्बापे का पोजीशन क्या होने वाला है रियल मैड्रिड, देखो एम्बापे आई थिंक फॉर मी आई डोंट रियली थिंक विनीशियस का जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज रहा है इन द ऑल द मैचेस, चैंपियंस लीग की बात करो, लीग स्टेज की बात करो, आई डोंट रियली थिंक विनीशियस इज गोइंग टू लीव हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट विंग. नो, एम्बापे को तुम विनीशियस को तुम नहीं हटा सकते वहाँ से. एम्बापे विल हैव टू प्ले एज अ नंबर 9 या फिर एज अ दैट इज अ स्ट्राइकर. एंड मुझे लगता है कि ये सारे चीज़ें ना उसको अपॉइंट करने से पहले उसके साथ डिस्कस करा गया है एंड ही म्यूचुअली अग्रीड टू इट, क्योंकि उसे भी पता है कि ही नीड्स मैड्रिड, मैड्रिड डजेंट नीड्स एम्बापे. भाई हम लोग होजेल उसे कम बैक करवा लिए, सो इट्स नॉट लाइक कि हमें बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के बिना ये क्लब नहीं चल सकता. दिस क्लब कैन सर्वाइव ऑन एनी थिंग गिवन एंड That is the you know gravy of Real Madrid जो तुम समझते हो. लेकिन वही है कि कल के न्यूज़ के बाद तो ये ऑलमोस्ट 99.5% कन्फर्म हो गया. जस्ट 0.5 का ही बचा है कि लेट द ऑफिशियल न्यूज़ कम आफ्टर द चैम्पियंस लीग कि एम्बापे इज फाइनली साइनिंग फॉर मैड्रिड. एंड इतना लंबा सागा भाई, 4 साल 5 साल, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सुन के पक गया हूँ लास्ट 3-4 सालों से कि भाई एम्बापे आ रहा है, एम्बापे आ रहा है. एक बार तो उसने डुबा दिया, लेकिन फिर से ये न्यूज़ आया कि हाँ ही इज़ कमिंग बैक एंड फाइनली एम्बापे इज़ कमिंग अब लग रहा है. सो दिस वॉज अ वेरी लाइक यू नो मतलब पीसफुल न्यूज़, पता था होगा, लेकिन अभी अगर जब थोड़ा थोड़ा करके जब कन्फर्मेशन आ रहा है सो इट्स यू नो गुड टू हियर. एंड अगले सीजन से अगर एम्बापे ज्वाइन करता है मैड्रिड को देन इट विल बी अ ड्रीम टीम. आई विल से इट विल बी अ ड्रीम टीम, नॉट अ गैलेक्टिकोज मॉडल. अगर कोई बोले कि गैलेक्टिकोज, नो नहीं भाई, ये गैलेक्टिको नहीं है, क्योंकि हम लोग
एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं सारे ग्रेट प्लेयर्स को, कुछ प्लेयर्स हमारे ओन ग्रोन भी है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है अपने इंस्टाग्राम पे, वो तुम देख सकते हो. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट कि अगला सीजन क्या होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अ टेरिफाइंग सीजन फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि भाई कौन से प्लेयर में तुम खामियां ढूंढोगे. इट्स काइंड ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स हु आर अवेलेबल राइट नाउ, दे आर ऑल प्लेइंग इन मैड्रिड. एंड इसके ऑन द कॉन्ट्रास्ट इफ यू सी बार्सिलोना, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द स्क्वाड, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द साइनिंग. सो दे नीड टू बकल अप एंड द वर्ल्ड नीड्स टू बकल अप अगेंस्ट रियल मैड्रिड, क्योंकि ये टीम जब अगले साल चैंपियंस लीग में जाएगी, आई डोंट नो हु विच टीम इज गोइंग टू स्टेप अप अगेंस्ट अस कि ओके हम लोग हरा सकते हैं रियल मैड्रिड को, क्योंकि राइट नाउ रियल मैड्रिड विद सो मेनी फ्लॉज. भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि रियल मैड्रिड इज लिटरली परफेक्ट टीम, नहीं है. रियल मैड्रिड इज नॉट अ परफेक्ट टीम, इट इज मेड अ परफेक्ट टीम, इट इज मेड टू लुक लाइक अ परफेक्ट टीम बाय एंशेलोटी, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करना जानता है. एंड अगले साल अगर वो मिसिंग पीस मिल जाए हमें, द स्ट्राइकर, जो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं था इस पूरे सीजन में. देखो होजेलो ऑब्वियसली इज अ गुड प्लेयर, स्कोर कर दिया, बट दैट यू नो रिनाउंड स्ट्राइकर ओके दिस प्लेयर इज अ रियल मैड्रिड स्ट्राइकर, नो वो नहीं था हमारे पास. सो नाउ वेन रियल मैड्रिड विल हैव इट्स ओन स्ट्राइकर, that will be the time when people need to buckle up, people need to wake up, because Real Madrid, Rodrigo, Vinicius, Mbappe, Bellingham, Brahim Diaz, या फिर अगर तुम टोनी क्रूज की बात करो, वो टोनी क्रूज तो रहने वाला है, सो तुम टोनी क्रूज की बात करो, सारे प्लेयर्स जब ट्रांजिशन में एक एक करके तुम्हारे टीम के डिफेंस के अगेंस्ट दौड़ना चालू करेंगे, तो कौन सा टीम रोक पाएगी? लाइक दिस इज साउंड सो क्रेजी मैन, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन दिस इज द रियलिटी. एंड इट्स बिकमिंग इट्स गोइंग टू बी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ड्रीम ईयर फॉर ऑल द मद्रिदिस्तास, द अपकमिंग सीजन्स, द अपकमिंग चैंपियंस लीग. ये वाला तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन ड्रीम्स आर हाई एंड दे शुड बी हाई. सो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो कि there is going to be a very good season, a very good upcoming season, a very good future for Real Madrid. And agar main video khatam karne se pehle ek cheez ke bare mein clarity de dun ki Cruz shayad rehne wala hai Madrid mein agle season bhi, Modric ka bhi surety nahi hai, uske upar clarity bahut jaldi aayega, lekin I want Modric to stay kyunki new players hai ye, some senior figures should be there in the team to support them या फिर to guide them, क्योंकि उसके बिना ना पूरा का पूरा अगर यंग स्क्वाड हो जाता है फिर उसमें प्रॉब्लम आता है. सो देयर शुड बी सीनियर प्लेयर स्टेइंग एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट और आई थिंक इट विल बी द राइट थिंग फॉर मैड्रिड. दिस इज ऑल वॉट आई हैव फॉर यू टुडे. लाइक द चैनल एवरी वन, सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किए हो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन विद सम गुड न्यूज़ या फिर नया नया अपडेट्स. एंड यस, अंटिल देन टेक केयर, बाय.